हेलो एवरीवन आई एम अंकिता दत्ता डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सो इस डेरिवेशन में जो है हम लोग वर्क डन के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन को डिटर्मिन करेंगे ऑल राइट सो लेटर से दैट लेट डी डब्ल्यू बी डी Work done by electric field in displacing a charged particle, a charged particle Q by. डी आर ठीक है सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है क्या होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ हो जाएगा आपका चार्ज इन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये हमारा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका छोटा सा वर्क डन होगा इन डिस्प्लेसिंग दी चार्ज क्यू बाई डी आर वेक्टर वो हम डिटर्मिन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्लियर है नाउ डी डब्ल्यू ई को और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एफ के बदले में ये फोर्स डी टू इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम लोग लिख सकते हैं एस क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऑल राइट अब यहां पर जो वर्क डन है वो है वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स है है ना एंड यहां पर हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है सो so, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हमें पता है दैट ये जो छोटा सा वर्क डन हुआ बाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आप ध्यान रखिएगा दैट इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली वी इंट्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी ऑल राइट एंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है आपका नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास इलेवेंथ के वर्क एनर्जी पावर को बिलोंग करता है ऑल राइट सो देअर फोर डी डब्ल्यू ई के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी यू सो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ देंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर सो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी यू बाई क्यू क्यू को मैं एल एच एस में लेकर के आ गई दिस वुड बी इक्वल टू ई डॉट डी आर ठीक है अब again हमें पता है है आपका जो change in potential energy होता है, वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ वर्क डन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें पता है है ना एंड हमें यह भी पता है कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल होता है इट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ठीक सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें हम क्या कह सकते हैं दैट देयर फोर माइनस ऑफ डी यू बाई क्यू ये क्या हो जाएगा आपका द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को जो है हम लोग लिख सकते हैं एज ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया और दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी ठीक है सो इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन एंड इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर टू सो यहां पर फर्दर लिखेंगे दैट पुटिंग माइनस डी यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी इन इक्वेशन वन हम लोग अब क्या ऑप्टेन कर जाएंगे माइनस ऑफ डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर एंड इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एज डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर ठीक है सो so, ये आपका रिलेशन प्रूफ हो गया ठीक है माइनस ऑफ डी वी इज इक्वल टू सॉरी dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr <laughs> अब हम लोग इस रिजल्ट को फर्दर थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे ऑल राइट तो अस से कि हमने दो पॉइंट्स चूज करा एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वन वैक्टर है वहां पर हमने कह दिया कि पोटेंशियल वी वन है एंड दूसरा पॉइंट है जिसका पोजिशन वैक्टर आर टू वैक्टर है एंड उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वी टू है एंड इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे को डिटर्मिन करना हो देन वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशन ठीक है सो यहाँ पे लिख देते हैं दैट लेट वी वन एंड वी टू बी दी पोटेंशियल एट Points P one and P two whose position vector whose position vectors are R one and R two. respectively ठीक है सो इन दैट केस क्या आ जाएगा आपका हम ऊपर वाले रिलेशन को इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dv वी वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर लोअर लिमिट आ जाएगा हमारा क्या p1 वन का पोजिशन वेक्टर आर वन वैक्टर है तो ये आर वन वैक्टर से लेकर के पी टू का पोजिशन वैक्टर आर टू वैक्टर है पोजिशन वेक्टर आर वन वेक्टर है जिस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर वहां पर पोटेंशियल जो है वो वी वन है एंड जिस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आर टू वैक्टर है उस पॉइंट का पोटेंशियल आपका वी टू है सो so ये आपका आ जाएगा वी टू माइनस वी वन है ना एल एच एस का इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा वी टू माइनस वी वन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर आर वन वेक्टर से लेकर के आर टू वेक्टर ऑल राइट सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया ठीक है ऑल राइट सो अब जो है हम इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास एन सी आर टी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें डिस्कस करते हैं ठीक सो so, जो हमारे पास सबसे बेसिक रिलेशन था हम उस पर आ गए डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर सबसे पहले हमने इसे डिराइव करा था राइट right? तो अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं है ना सो so, हम यहां पर क्या लिख देंगे दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू टू कॉस ऑफ थीटा यहां पर लिख देंगे दैट वेयर थीटा इज दिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीआर वैक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वैक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा कॉल कर रहे हैं ठीक है so, सो यहां पर लेटेस्ट से कि हमारा जिस डिरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डिरेक्शन में हम चार्ज को डिसप्लेस कर रहे हैं ऑल राइट right? तो ऐसे में आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा वुड बी इक्वल टू जीरो सो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट वेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है ना? तो उस वक्त हमारा डी क्या हो जाएगा डी वी वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस ऑफ जीरो डिग्री यानी कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर आ जा रहा है ठीक अब ई e जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्निट्यूड है डी आर आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्निट्यूड है ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है एंड ये जो नेगेटिव साइन है उसके मदद से हमें समझ में आ रहा है कि जो छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल आया वो क्या है नेगेटिव है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है एज मूव अलोंग दी डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनसीआर टी में आपका जो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में सबसे पहला पॉइंट है वो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डिरेक्शन में है जिस डिरेक्शन में पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है एट दी फास्टेस्ट रेट सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है सो so यहां पर हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा दैट Electric field is in the direction in which potential decreases. आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है मैं वापस से आपको ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा द डीवी टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा है ई e, आपका मैग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डी आर मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है थीटा जो है वो है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो यहाँ पर हम हमने कौन सा केस लिया थीटा इज इक्वल टू जीरो पर हमारे को देखने को ये मिला that dv जो है वो आपका आ रहा माइनस ऑफ ई डी आर यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो नेगेटिव आ रहा है तो यहां पर से हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे दिशा में बढ़े जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर पोटेंशियल जो है वो सबसे फास्टेस्ट रेट से डिक्रीज हो रहा है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस डिरेक्शन के ओर बढ़ने से पोटेंशियल स्टीपेस्ट तरीके से डिक्रीज हो रहा है उस डिरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड पॉइंट व्हिच टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल राइट सो यहां पर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर अब आपको पता है कि मैग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है है ना तो आर एच एस को भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही होना पड़ेगा ठीक है तो अब इस चीज को समझने के लिए हम इस डायग्राम पर आ जाते हैं यहां पर मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सर्फेसिस कंसिडर करे हैं एक सरफेस का पोटेंशियल लेटर से वी है एंड दूसरे सरफेस का पोटेंशियल जो है वो वी प्लस डी वी है जहां पर डी वी क्या है द चेंज इन पोटेंशियल Alright, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन कैसा है में है। अभी-अभी हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो फिर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है ठीक है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर वाला सरफेस है इसका पोटेंशियल जो है नीचे वाले सरफेस के कंपैरिजन में कम होगा है ना तो यहां से मैं ये कह सकती हूं कि जो मैंने v प्लस डीवी यहां पर लिखा है वहां dv जो है वो एक कैसा क्वांटिटी होगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा तभी जा करके तो ऊपर वाले सरफेस का पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर्ड टू v, है ना सो so यहां पर dv जो है इट्स सेल्फ इज नेगेटिव ऑल राइट? सो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे उस वैल्यू के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देंगे एग्जाम्पल के तौर पर लेटेस्ट से कि मुझे माइनस टू को पॉजिटिव बनाना है तो सिंपल तरीका क्या रहेगा कि आप ये जो माइनस टू है इसके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दो तो ही ये आपका क्या बन जाएगा ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा Plus of two हो जाएगा. जो <laughs> so जो आपका minus of DV, ये जो quantity है, वो भी आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है क्योंकि DV खुद एक negative quantity है, एक है क्वांटिटी के सामने अगर एक नेगेटिव साइन है तो ये दोनों मिलकर के एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जा रहे हैं ऑलराइट सो right? so यहां पर आप नेगेटिव साइन को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा. आपका एल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्निट्यूड है वो भी आपका पॉजिटिव है साथ ही आपका जो आर एच एस है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है ठीक है साथ ही आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ठीक है सो अब जो है हम फाइनल सेकेंड स्टेटमेंट को लिख लेते हैं सो so, जो सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो ये कहता है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज Given by the change in magnitude of potential per unit displacement. Normal to the equipotential surface at that point. Okay, so इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है या फिर समझने में दिक्कत आता है देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई एल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प बाय एंड टेक केयर